अस्सलामुअलैकुम आई तो मैं कैसे आप सब उम्मीद करते क्या कर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, हम कैसे हैं? मैं यूट्यूब फैमिली दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और आज है जुम्मा मुबारक, आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, जो बीमार है उन्हें शिफा दे, और जो बे औलाद अल्लाह पाक ने साहिब औलाद करे, और जो कर्ज़दार अल्लाह पाक ने कर्ज से निजात दे, और जिसकी जो भी परेशानी अल्लाह पाक सब दूर करे। आमीन सुम आमीन। और आज जो है यहाँ पर दूध नहीं है कि रात का जो है ना बारिश थी तेज़, और गाय का बच्चा जो है अपनी माँ का दूध सारा ही पी गया है। और यहाँ पर दुआ जो है ना अभी नाश्ता कर रही है, ईमान भी नाश्ता कर रही है। अभी जो ना चावल बना रहे हैं सफ़ेद। और आज यहाँ पर कितने दिनों से जो ना काफ़ी तेज़ बारिशें चल रही हैं, अभी भी ये लगता है आंधी या तूफान आ रहा है, तो डेली की बारिश हो रही है, बिल्कुल भी नहीं कम हो रही, ना दिन निकल रहा है ना किसी चीज़ का पता है। ईमान आप क्या कर रही हो, क्या कर रही हो बताओ? हाथ कैसे गंदे क्यों हैं? सबको सलाम करो। अच्छा रखा ठीक है, बच्चों ईमान का ख्याल करना, बाकी फूफों की बच्चों का भी ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर बारिश देखें बरस रही है अभी भी। चलो दुआ, चलो दुआ को साथ लेके जा रहे हैं। अभी ये भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, तो अभी हम मैं निकल रहा हूँ प्रैक्टिस करने के बाद। आप सब फैमिली रिक्वेस्ट है कि आप सब दुआ करें, मैं इस्लाम में पहुँच जाऊँगी और अल्लाह के रिक्वेस्ट करा भी ठीक हो तो ठीक है, क्योंकि हम इसका ठीक है समझ ठीक है। अब हम खानपुर पहुँच गए हैं, सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर ये आ गए, पता नहीं क्या लेके आए हैं। नहीं बस नमाज के लिए उतरे हैं नीचे। यहाँ पर नमाज पढ़ के फिर से निकल पड़े हैं। कराची में दाखिल हो गए हैं और यहाँ पर भी बारिश पूरा रास्ता ही बरसती रही है। चाय बना के लिए दो भी साथ में बैठी है और मेरे हस्बैंड भी। ये तो अभी पहुंच गए हैं इस तरह के घर, तो मेरी बेटी चाय बना के ले है मेरे लिए, तो अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। नाश्ता कर लिया? कर लिया हाँ। तो आप सब भी दुआ करें, सितारा की तबीयत ठीक नहीं है, तो जैसे ही हम होगा आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। इंशाल्लाह बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, बस आप सबकी दुआ चाहिए। दुआ इधर आ जाओ, क्या कर रही हो? वो देखो मुर्गी आपको काट लेगी। दुआ तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप सब जो है ना सितारा के लिए दुआ करें, क्योंकि उसको देखकर हमें भी एक तरह से, जैसे वो तो हमने पिक देखी थी रियल में, उसने उसके बाद पता नहीं अपना क्या हाल किया, तो उसके बच्चे भी अब इस कदर परेशान है कि वो अपनी अम्मी के साथ सिमटे हुए हैं जैसे कुछ
कोई किसी का डर हो उनके दिल में, बच्चों को अब क्या पता कि किस चीज़ का डर है, क्या खौफ है। अब बच्चे भी मुझे लगता है कि वो भी खामोश हैं, उन्हें भी कुछ नहीं समझ आ रहा कि हमारी अम्मी के साथ क्या हो रहा है, वो इस कदर क्यों उलझी हुई है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि एक माँ के लिए आप सब दुआ करें, उसके बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती दे और इस सदमे से बाहर निकले। उसे इस तरह का पता नहीं मेरे घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मेरे बच्चे खा रहे हैं नहीं खा रहे, वो इस तरह जो ना डिप्रेशन का शिकार हुई है। जी दोस्तों, मैं अभी पहुंच गया हूं सितारा बहन के घर, और एक तो मैं इतना बरसात है रास्ते में कि कितनी मुश्किल से मैं पहुंचा हूं यहां पर, और जैसे मैं पहुंचा हूं तो मैंने उसकी जो हालत देखी है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन की बहन के साथ भी ऐसा ना करे जो मेरी बहन के साथ हो रहा है। सलमा बहन वहाँ पर रो रो के परेशान है अपने फैमिली बच्चों के लिए, और इसकी जो हालत मैंने अभी देखी है ख़ुद अपनी आँखों से आके, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो इतना मुझसे बात नहीं कर पा रही, वो इतना टेंशन में है, और उसकी जो हालत है ना, कैसे उसने अपने बाल काट दिए, कैसे उसने अपना चेहरे का ये हशर कर दिया कि मैं आपको नहीं बता सकता। बच्चे उसके परेशान हैं, पूरी फैमिली हमारी बहुत इतनी परेशान है कि हम टूट के बिल्कुल बिखर गए हैं। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो रो रो के उसने फिर भी दरवाज़ा कमरा अपना बंद कर दिया है, कहने लगी भाई मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। बस यही मेरी आप सब फैमिली फ्रेंड से रिक्वेस्ट है, मेरी बहन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्ती दे और फिर से मैं उसकी ये दोबारा ये खुशियां देख सकूं अपनी फैमिली की। और मेरे पास अल्फाज भी नहीं, मैं क्या कहूँ। जो रो रो के मेरी अम्मी का हाल है उधर, वो परेशान है, और सलमा अपनी जगह पर परेशान है इतना रो रो के अपने बच्चों के लिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसकी जो हालत है इस तरह की, ये मुझसे खुद काबिल बर्दाश्त नहीं है। काश कि सलमा बहन आप इधर होती हैं और उसकी हालत देखती तो शायद आप भी अपने, आपके आंसू भी आपके हाथ में कंट्रोल में ना आते कि जिस तरह उसने अपना हाल बनाया हुआ है सितारा ने। मैं फिर भी आपसे हाथ जोड़ के इस बात कहता हूँ कि छोड़ दो इन बाबलू को, अपने बच्चों और अपने घरों में खुश रहो, इस मामले को रफा दफा करो। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपके बाप की तरह हूँ, मैं दोनों बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका ये हाल है कहीं तुम अपना ना कुछ हाल है सब रहा। ये तो मेरे पास है, मैं इसके पास पहुंच गया हूँ, आप तो मुझसे इतना दूर है, मैं आप कैसे आपके पास पहुंचूं, आपका कैसे वहाँ आके मैं हाल देखूं। सलमा प्लीज मेरी बात मान जाओ, मैं आपका भाई हूँ, खुदाया इस मामले को छोड़ दो, अपने बच्चों के साथ अपने घरों में खुश रहो, और अपनी अम्मी को देखो वो किस हाल में है, अल्लाह ताला पे छोड़ दो, कौन सच है कौन सही है या कौन गलत है ये तुम अल्लाह पे छोड़ दो, वही बेहतर करेगा, वही जो सच है झूठ है उसका फैसला अल्लाह ताला करेगा। ठीक है, मैं भाई हो के आप सब से हाथ बांध कर सब फैमिली फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मामले को छोड़ दें, हमें जीने दें, हमारे घरों को और मत बर्बाद करें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन कुछ कर बैठे और उसके छोटे छोटे बच्चे यतीम और लावारिस हो जाए। अगर किसी में इंसानियत है
तो वो इस टॉपिक को छोड़ दे। मैं सबसे हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस टॉपिक को छोड़ दे।